सो गाइस इस वक्त मैं हूँ जापान में, टोक्यो में, और यहाँ पे सुपरमार्केट्स वगैरह मतलब हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे एक मैं सुपरमार्केट में आया हूँ जहाँ पे लगभग सारी चीज़ें मिल जाती है, और उसके रेट्स वगैरह क्या होते हैं वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा कि इंडिया के हिसाब से जापान कितना महंगा है। बेसिकली स्टार्ट की बात करूँ तो देख लो आप, पिज्ज़ा विज्ज़ा सारी चीज़ें मिल जाती है, मतलब सिर्फ आपको माइक्रोवेव में गर्म ही करना रहता है। इस तरफ इनफैक्ट बेकरी भी है। लेंथ की बात करूँ तो भाई साहब बहुत लंबी है ये सुपरमार्केट। और अगर रेट्स की बात करें तो ये देख लो, ये क्या है, ब्राउन राइस 498 येन का है। ये 5 किलो चावल कितने का है भाई, ये 5 किलो चावल है 2080 येन, 1 येन मतलब 60 पैसा, मतलब ये 1200-1300 रुपए का हो गया 5 किलो चावल। और चावल कितने अलग है, मतलब थोड़े प्लास्टिक वाले चावल दिखते हैं। साउथ कोरिया में भी मैंने ऐसे ही चावल देखे थे, और बेसिकली ना इंडिया के मुकाबले यहाँ पे चावल टेस्टी भी नहीं होते, सच कह रहा हूँ। जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, अपने इंडिया के चावल बहुत टेस्टी लगते हैं इसके सामने। यहाँ पे बड़े बड़े लेमन्स है जो कि आफ्टर टैक्स ये रेट ही देखते हैं, लेकिन असल में हमें ये रेट लगता है, जी हाँ टैक्स लगता है 7.5-8% जापान में, जिसकी वजह से नीचे वाला रेट पकड़ना रहता है 429 येन, मतलब हो गया 225 रुपए का 6 पीस लेमन बड़े बड़े। और अगर वेजिटेबल्स की बात करूँ तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे टमाटर आपको दिखेगा जिसका रेट है 320। मैं हमेशा यही देखता था, फिर बिल के टाइम हमेशा कंफ्यूज होता कि अरे एक्स्ट्रा पैसा क्यों लग रहा है, बिकॉज ये रहा असल का रेट 345 येन, जो कि हो गया अगेन 200 रुपये के आसपास इंडियन करेंसी में। 10 पीस हो गए टमाटर के छोटे छोटे, एक छोटा टमाटर 20 रुपये इंडियन करेंसी में, बताओ। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ भिंडी भी है, जी हाँ कुछ अलग साइज़ की है लेकिन है तो सही। फिर यहाँ पे कांदा है, ऑनियन है बड़े बड़े, जिसका रेट है 198 येन, 213 येन, मतलब आप कह सकते हो ये भी हो गया तकरीबन 140 रुपये के 3 बड़े बड़े कांदे। शिमला मिर्च हो गया है 170 येन, यानी कि इंडियन करेंसी में कितना हो गया 100 रुपये के आसपास। ये क्या चीज़ है भाई, कुछ कुछ चीज़ तो अपने को समझ के बाहर लगती हैं सच में। ऐसा लगता है कि घर में ही कोई किसी चीज़ का झाड़ उगाया है और उसको फिर पैकेट में बना के बेच रहे हैं ये लोग, है ना। यहाँ पानी और जूस एक ही रेट होता है तकरीबन, सच कह रहा हूँ। जैसे कि 89 येन का, यानी कि 96 येन का पानी मिलेगा, और वही 105 येन का सेम क्वांटिटी, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे आपको ऑरेंज जूस या फिर एप्पल जूस ये सब चीज़ें मिल जाएगी। पानी बहुत महंगा है बाबा जापान में। वैसे चीज़ और मिल्क से रिलेटेड चीज़ें इतनी महंगी नहीं है, मतलब 168 येन का है, 148 येन का है। मैं भी बार बार ये रेट की बोल रहा हूँ, साला पगला जा रहा हूँ, असल में ये रेट होते हैं यार। ये देख लो पनीर है, कॉटेज चीज़ है, इसका रेट है इंडियन करेंसी में तकरीबन 90 रुपया। यहाँ पे आपको मोमोज भी मिल जाएंगे, सिर्फ गरम करनी है, और मोमो की चटनी भी है इनफैक्ट। ये देखो पानी की बोतल में कितना फर्क है, अजी रेट में भी मैं कह रहा हूँ, 105 येन का ये स्पार्कलिंग वाटर, और 624 येन का ये फिजी। अगर आप मेरे मेन चैनल पे वीडियोस देखते हो जहाँ पे मैं बड़ी बड़ी लंबी लंबी प्यारी प्यारी ब्लॉग्स जिसमें एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, प्रतीक जैन ब्लॉग्स चैनल का नाम है, उसमें आप वीडियोस देखते हो तो आपको पता है कि जापान में स्टेज वगैरह कितना महंगा है। मतलब मैं जो रह रहा हूँ हॉस्टल में, माय गॉड 3500 रुपये का हॉस्टल का बेड का रेट दे रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है ना यहाँ पे हर चीज़ महंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो छोटा सा वीडियो बनाया है, छोटा सा व्लॉग बनाया है ये शॉर्ट चैनल पे, वो आपको काफ़ी अच्छा लगा रहेगा, जिसमें मैंने डिटेल में आपको चीज़ें और चीज़ों की रेट बता दिए जापान के सुपरमार्केट स्टोर में जाके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, यहाँ पे अमेजिंग से शॉर्ट्स रील्स के फॉर्म में आपको मिलते जाएंगे। और तो और मेन चैनल में अगर आप नहीं जुड़े हो तो वो जुड़ लेना, बिकॉज वो तो सबसे मेन चैनल है, आई मीन बड़ी बड़ी और मेन वीडियोस तो वहाँ पे भी मिलती है ना। यहाँ पर मेरे को एक इंडियन स्टोर मिली है, स्टार इंडो ग्रोसरी करके, इंडियन फूड एंड ग्रोसरीज। देखते हैं भाई इंडिया के कौन से प्रोडक्ट है, भाई साहब तो दिख गए इंडिया के प्रोडक्ट भी दिख गए इंडिया के, है ना, झुमके वुमके, हाय झुमका। और उसके बाद बहुत सारे प्रोडक्ट है, मतलब पार्ले जी भी दिख गया, अरे अभी तो क्या ही बोलूँ, मतलब पार्ले जी भी दिख गया, मतलब टोटली इंडियन दिख ही गया अभी तो सारी चीज़ें। क्या रेट है, 85 येन, मतलब 50 रुपये का हो गया, है ना। भेलपुरी ने, सेवपुरी ने, मतलब वही गार्डन कंपनी का, भुजिया ने, हल्दीराम्स ने, सब कुछ मिलेगा यार इधर, मैगी भी मिलेगी, ओए होए। बस रेट आपको इंडिया के नहीं मिलेंगे, जापान के मिलेंगे। ये मैगी कितने का है, 250 येन का, 150 रुपये के आसपास हो गया ये भी। आटा है, आशीर्वाद, पिल्सबरी, सब कुछ है यार, मतलब क्या ही समझाओ। यहाँ पे मतलब जो भी इंडियंस रहते होंगे उनका डेली इधर से ही जाता रहेगा, है ना। हाँ
तो ये तो एक दो चीज लेना तो बनता है। मैंने हल्दीराम्स का एक ड्राई फ्रूट मिक्स और एक छोटा सा पार्ले जी, वो दिख रहा है नुन्ना सा मुन्ना सा, ले ही लिया। चलो थैंक यू सो मच।